जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि इज एम आर का प्रयोग करके आप लोग इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह एक किसान है, तुम बहुत ईमानदार हो। अगर इस तरीके से आपको बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, और ये बहुत इजी है। यानी कि स्पोकन का ये बहुत ही बेसिक क्लास होता है और आपको बोलने आना चाहिए ईजीएमआर के प्रयोग से। देखिए यहाँ मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करो और देखते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो आपको लिखना है पहले आई। देखिए इज का मतलब होता है, क्या होता है। आर का मतलब होता है या हो, मतलब आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। और जो एम होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और ये हमेशा आई के साथ ही आता है। इतना आपको ख्याल रखना है। अब देखिए जैसे कि बोलना है मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लिखने के साथ साथ बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि लिख तो लेते हैं लेकिन बोलने से बोल नहीं पाते हैं। तो आपको अगर बोलना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश नहीं आने वाली है, चाहे आप जितना जानकार हो जाइए, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ है मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। एक के लिए ए लगाना भूल गया था, तो क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर। ए एकदम अलग नहीं बोलेंगे, एकदम मिक्स कर बोलना है, आई एम अ टीचर। अ बोलना है, ए नहीं बोलना है, अ। आई एम अ टीचर, ऐसा बोलना है। यानी कि आपको एक फ्लुएंट बोलना है। देखिए अगला है मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे। जैसे कि वह एक किसान है, ही इज अ फार्मर। तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर वेरी ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से बोलना है आपको। आप लिखें ना लिखें बात अलग है, आप बोलिए मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर, मैं बहुत ईमानदार हूँ, वह बहुत ईमानदार है। तो आपको बोलना है तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ईमानदार हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो मतलब आपको जिस तरह से बोलना है बोलिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान रहेगा। देखिए कुछ कुछ बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो गलती से जब से होगा ही होगा। जैसे कि अगर आप जन्म लिए होंगे तो 4-5 साल के बाद आपके घर वाले कुछ बुलवा रहे होंगे, 4-5 साल में नहीं, हालांकि 1-2 साल के अंदर ही बुलवाते हैं, तो आप हर कुछ शुद्ध नहीं बोल रहे होंगे, तोतला कर बोलते हैं, कुछ सही कुछ गलत बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर वाले बताते हैं ना कि यहाँ गलती बोले, यहाँ ऐसे बोलना, इसको ऐसे बोलते हैं, तो आप धीरे सीख गए ना। तो उसी प्रकार से इंग्लिश भी है, इंग्लिश आप अगर सीधा बोलेंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट बोल ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ गलत बोलेंगे कुछ सही बोलेंगे, लेकिन बोलते बोलते धीरे धीरे आपका हर तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि सीखने वाला गलती करता ही करता है। तो अगर आपको सीखना है तो गलती करना पड़ेगा, या तो अगर आप गलती नहीं भी करते तो और अच्छी बात है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो आपसे गलती होगा ही होगा। यहाँ देखते हैं यह एक घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, DOCTOR।
ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। अगला है रमेश ईमानदार ऑफिसर है, सॉरी अधिकारी लिखा है, मैंने इंग्लिश बोल दिया, रमेश ईमानदार अधिकारी है, यानी कि रमेश इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, एच ओ एन ई एस टी ऑफिसर। देखिए यहाँ पे एन लगाया हूँ, तो एन क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, अभी फिलहाल देखते हैं शॉर्ट में। अगर कहीं भी किसी भी नाउन्स का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर वह वावेल होगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, मतलब दोनों ही होना चाहिए, हिंदी में भी वावेल होना चाहिए और इंग्लिश में भी वावेल आना चाहिए, तो आपको वहाँ पे एन लगाना पड़ता है एक के लिए। तो यहाँ पे छोटी सी बात थी, इसके लिए एक वीडियो आएगी। आगे है मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अब देखते हैं अगला, देखिए अगला है वह बहुत दुखी है, वह बहुत दुखी है, क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग, ही इज वेरी सैड, ही इज वेरी सैड, वह बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा, मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी अपसेट। वह बीमार है, ही इज इल, ही इज इल। तुम बहुत खुश नसीब हो, यू आर वेरी लकी। देखिए कुछ लोग नहीं बोलते हैं तुम बहुत खुश नसीब हो, तो वहाँ बोलना होगा आपको यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी। तो आपको इस प्रकार से बोलना है। अब देखते हैं अगला पेज, हालांकि आप लोग बोल के प्रैक्टिस कीजिए एक बार, मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड, वह बहुत दुखी है, ही इज वेरी सैड, मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम वेरी अपसेट, वह बहुत बीमार है, तो ही इज वेरी इल, ऐसे बोल सकते हैं आप। तुम बहुत खुश नसीब हो, यू आर वेरी लकी। तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, आपसे गलतियाँ होगी, तो आप गलतियों से मत डरिए, प्रयास कीजिए बोलने का। वह गरीब नहीं है, अब देखते हैं जिसमें नहीं लगा होगा, वह गरीब नहीं है, ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर। वह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। बहुत सारे लोग बोलते हैं यह अच्छा नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट फेयर या दिस इज नॉट गुड, दोनों ही बोल सकते हैं। यह अच्छी खबर नहीं है, यह अच्छी खबर नहीं है, दिस इज नॉट गुड न्यूज, दिस इज नॉट गुड न्यूज। अगला है यह बुरा नहीं है, दिस इज नॉट बैड, दिस इज नॉट बैड। ये था निगेटिव के लिए। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव रहेगा, जैसे कि ये सब आप लोग बताइए, जैसे मान लीजिए लिखा है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, देखिए अगर शुरू में आपको क्या दिखाई दे तो क्या करेंगे आप लोग, कि इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज पहले करेंगे, जैसे कि यू के साथ आर प्रयोग करते हैं, तो अगर क्या शुरू में रहेगा तो आपको क्या के बदले आर लिखना है, यानी कि आप शुरुआत में आर लगा बोलिएगा, जैसे कि आर यू ओके, ओके का मतलब होता है ठीक हो, या गुड बोल सकते हैं, दोनों ही हो सकता है, आर यू ओके। कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, क्या वह कुत्ता नहीं है, यानी कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी आ सकता है, तो कैसे बोलेंगे, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार पहले लगाएंगे वर्ब, यानी कि इज ही नॉट डॉग, इज ही नॉट डॉग। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। क्या यह सत्य है, इज दिस ट्रू। एक लास्ट है, तुम कैसे हो। देखिए अभी मैंने बताया कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह अगर शुरुआत में रहेगा तो क्या करेंगे,
अगर बीच में रहेगा तो कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर बीच में रहेगा तो इसका इंग्लिश आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे। जैसे कि कैसे है, तो कैसे क्या है, कैसे एक प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं तुम कैसे हो, तो उसको आंसर देना पड़ेगा मैं ठीक हूँ मैं बुरा हूँ। तो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी कि इस बार मैं ये यूज करता हूँ। तो देखिए, जो कैसे है, कैसे का इंग्लिश आपको पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि हाउ। इसके बाद जो वर्ब होगा वर्ब यूज करेंगे, यानी कि यू के साथ आर होगा तो आर लिखेंगे। तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, हु इज ही, यहाँ पे वह है तो वह के अनुसार इज लगता, तो हु इज ही, वह कौन है, तुम कहाँ हो, वेयर, वेयर, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।